हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप रेडीमेड जो हमारा लहंगा रहेगा उसका लेंथ और उसकी जो कमर है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। जब हम अपना खुद का लहंगा खुद से स्टिच करते हैं, जो कस्टमाइज होता है, जब हम फैब्रिक लेके बनाते हैं तो उसमें जो भी हमारा लेंथ होता है डिजायर्ड लेंथ, उसके अनुसार हम लोग मेजरमेंट लेके उसकी कटिंग करते हैं। लेकिन जो हमारा रेडीमेड लहंगा होता है वो फ्री साइज आता है, तो वो काफी लोगों में नहीं आता है। लेंथ वाइज वो बहुत बड़ा रहता है और उसकी कमर जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें काफी बड़ा है। तो इसको मैं, जो हमारे कस्टमर है उसके अनुसार इसको मैं कस्टमाइज करूंगी। तो बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है कि ये कैसे कम होगा, तो आज मैं उसका तरीका आपको बताऊंगी। यहाँ पे जो हमारा इसका कमर है वो यहाँ पे 22 आ रहा है, यानी कि हमारा इसका डबल 44 इंचेस का ये हमारा वेस्ट है, बट ये हमको 32 इंचेस का करना है। तो इसमें मुझे करीब 12 इंच को कम करना है। तो इसको हम कैसे कम करेंगे, ये लेंथ वाइज भी काफी ज्यादा है, मैं इसको मेजर कर लेती हूँ। ये लेंथ वाइज 46 इंचेस का है और मुझे इसे 42 इंचेस का करना है, तो 4 इंच मुझे इसमें भी माइनस करना है और 12 इंच कमर में माइनस करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नेट का लहंगा है और यहाँ से ये कलियां अटैच्ड हैं। इसमें टोटल 8 कलियां अटैच्ड हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि इस बॉर्डर को खोल देंगे ताकि जब हम इसका लेंथ कम करें तो वापस से इस बॉर्डर को हम लोग लगा लें और फिर इन कलियों को आपस में फिर से कट करके और इसमें ज्वाइंट करेंगे ताकि ये जो हमारा मेजरमेंट है 32 इंचेज का आ जाए प्रॉपर। तो पहले मैं इस बॉर्डर को खोल लेती हूँ। हम लोग इसकी सिलाइयां खोल के इस तरह से इसको हटा लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट अलग हो गया है और हमारा लहंगा अलग हो गया है। हम इसका लेंथ नीचे से कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि नीचे में जो वर्क है उसको हम लोग काट नहीं सकते हैं, तो हम लोग जो लेंथ है उसको ऊपर से ही कम करेंगे। अब हम लोग इस तरह से इसको देखेंगे। ऐसे तो हमारा जो लेंथ था वो 42 इंचेज का रखना था, तो यहाँ पे हम लोग करीब 4.5 इंचेज आ रहा है, क्योंकि अगर हम 4 इंच पे करेंगे तो ये जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट आ जाएगा उस पे फिर हम लोग को बॉर्डर बैठाने में दिक्कत होगी, तो हम लोग इसको 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेके ही कट कर देंगे। उतना इससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर 1/2 इंच कम भी हो जाता है तो जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है और जो हमारा मेन फैब्रिक है दोनों को लेके हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे। ये जो हमारी कली है वो 6 इंचेज की है, तो हमें चाहिए यहाँ पे 4 इंचेज का, क्योंकि ये टोटल कली जो है हमारा 8 कली है, तो 8 × 4 = 32। तो हम लोग हर कली को दोनों साइड से 1-1 इंच हम लोग अंदर की तरफ सिलाई को दबा देंगे इस तरह से। यहाँ से हम लोग करीब 1 इंच लेके और इस तरह से इसको डायगोनली हम लोग स्टिच लगा देंगे, तो ये फिर 32 इंचेज का हमारा तैयार हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग लाइनिंग के फैब्रिक में दूर दूर पे प्लीटे डाल देंगे और फिर एक साथ इन दोनों को वेस्ट पे अटैच कर देंगे। तो अभी मैं आपको मशीन पे ले चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि कैसे ये स्टिच लगता है। इस तरह से हम लोग यहाँ से 1-1 इंच के डिस्टेंस पे हम लोग स्टिच लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ 1 इंच मार्क कर लेंगे और इस तरह से इसे तिरछा जहाँ तक जाता है वहाँ तक हम लोग इसे मिला लेंगे। तो हम लोग सिलाई यहाँ से यहाँ तक तिरछा लगाएंगे। यहाँ स्टोन है तो थोड़ा संभल के स्टिच लगाएंगे, अदरवाइज नीडल टूट जाएगी। पहले हम लोग यहाँ सिलाई को लॉक कर लेंगे। जरूरत पड़ने पे हम लोग स्टोन को उखाड़ लेंगे। इस तरह से हम लोग इसमें इसको स्टिच को मिला लेंगे और फिर हटा लेंगे। देखिए ये एक साइड से इस तरह से हो गया है। इसी तरह से हम लोग बाकी कलियों में भी जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ वहाँ पे हम लोग स्टिच लगा लेंगे, जिस तरह से हम लोग यहाँ 1 इंच के मार्जिन पे लगाए हैं। वीडियो से रिलेटेड और भी इमेजेस और फोटोग्राफ्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें, तो वहाँ पे आप हमें जरूर चेक करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए हमारा ये 4 इंच का कली बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी कलियों को भी 4-4 इंच का बना के तैयार कर लेंगे। हमारा सारे में स्टिच लग के तैयार हो गया है। अब हम इसको 1/2 इंच का मार्जिन रख के कट कर देंगे। देखिए ये 32 इंच का पूरा हमारा तैयार हो गया है। लाइनिंग के फैब्रिक को भी उसी तरह से हम लोग
अंदर की तरफ सिलाई लगा के स्टिच कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम लोग कट कर लेंगे और फिर दोनों को इस तरह से ऊपर में स्टिच करके फिक्स कर लेंगे। तो पहले हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से सारी कलियों को हम लोग हाफ इंच के मार्जिन पे कट कर लेंगे। मैंने सारी कलियों को हाफ हाफ इंच के मार्जिन पे कट कर लिया है। अब हम लोग इस पे स्टिच लगा लेंगे ताकि ये लाइनिंग का फैब्रिक और ये नेट का फैब्रिक एक साथ फिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को फिक्स कर दिया है और साइड सीम को भी स्टिच कर दिया है। ये हम लोग हाफ इंच के मार्जिन पे सिलेंगे। ऊपर से हम लोग 7 इंच छोड़ देंगे। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे जिपर और उसके बाद हम लोग बॉर्डर अटैच करेंगे। ये इस तरह का चेन हम लोग इसमें स्टिच करेंगे। ये इस तरह से हमारा स्टिच होता है, तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा इसके साथ स्टिच होगा और ये इस तरह से करके हम लोग बिल्कुल इस पे स्टिच लगाएंगे और फिर इधर साइड भी स्टिच लगा लेंगे। देखिए हमारा जिपर लग गया है। मैंने यहाँ पे इनविजिबल जिपर लगाया है। अब ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग काट लेंगे और इस पे अब हम लोग जो हमारा बॉर्डर है वेस्ट बेल्ट का वो हम लोग अटैच करेंगे। ये जो बेल्ट है हमारा इसी में से मैंने निकाला था, तो अब हम इसको प्रॉपर इसमें स्टिच करेंगे। तो इसकी स्टिचिंग कुछ इस तरह से होगी। ऐसे हम लोग खोलते समय देखे थे कि किस तरह से इसकी स्टिचिंग थी। तो पहले हम लोग इस पे इसको रख के स्टिच कर लेंगे और फिर वापस से ये इस तरह से स्टिच होगा और कॉर्नर के पास हम लोग अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। तो पहले मैं इस पे स्टिच लगा के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम लोग इस पे स्टिच लगा चुके हैं। ये हमारा रॉन्ग साइड से है, ये इधर राइट साइड है। और अब हम लोग इन सब को अंदर की तरफ करते हुए इस बॉर्डर को इस तरह से प्लेस करेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल ये जो हमारा पाइपिंग है ग्रीन कलर के उसके अंदर से स्टिच लगा लेंगे और इसमें फिर हम लोग डोरी लगा लेंगे। इस तरह से हमारा बेल्ट भी अटैच हो गया है। देखिए इस तरह से ये फिक्स हो गया है। यहाँ पे इस पे बिल्कुल बारीक इसके अंदर से हम लोग ने स्टिच लगा दिया है जो कि दिख भी नहीं रहा है। ये देखिए 16 इंच का हमारा ये तैयार हुआ है, यानी कि ये डबल करने पे 32 इंच का हमारा ये बेल्ट तैयार हो गया है। बस अब इसमें हम लोग डोरी लगा देंगे और यहाँ पे एक हुक लगा देंगे। ये ऑप्शनल है, हुक आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से ये बहुत ही इजी है। आप इस तरह से अपने रेडीमेड लहंगे को छोटा कर सकते हैं, कमर को भी और लेंथ को भी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड इमेजेस और फोटोग्राफ्स के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।